हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों का बहुत स्वागत करते हैं छात्रगण, सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत है। कल की क्लास में आपने देखा था कि हम किस प्रकार से अन्य टॉपिक को लेकर के बढ़ रहे थे। आज आपके सामने हम सब एक बिल्कुल ऐसे टॉपिक को उठा रहे हैं छात्रगण, जिससे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न लगभग 30% होते हैं। और ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि यदि इस चैप्टर पे कमांड हो जाए तो मेंटल एबिलिटी का 30% एरिया क्लियर हो जाता है। आइए उसी विषय पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करेंगे और आपको इस पे कमांड कराने का प्रयास करेंगे, सो दैट कि आपका परीक्षा में एक भी प्रश्न ऐसे इस चैप्टर से गलत ना हो। एज यूजुअल पूरे चैप्टर के बाद आपको कई सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेशन चला देंगे, जो भी आपका कमेंट सेक्शन होगा उसमें आप कमेंट करेंगे और हम सब उसके कमेंट का जवाब दे देंगे। तो आइए प्रतियोगी विद्यार्थियों, आज शुरू करते हैं बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। सो हियर इज द कोडिंग एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग। हिंदी कूट एवं कूट लेखन, कूट एवं कूट लेखन, कूट एवं कूट लेखन, ये पाठ है हिंदी का जिसको कोडिंग और डिकोडिंग को कहा जाता है। छात्रगण, कोडिंग और डिकोडिंग जैसे विषय, जैसे लेशन बैंकिंग की परीक्षाओं के लिए, एसएससी की परीक्षाओं के लिए, रेलवे की परीक्षाओं के लिए, सीसैट की परीक्षाओं के लिए बहुत अधिक मायने रखते हैं। रीजन क्या है? इन चैप्टरों को इंप्लीमेंट करने के पीछे बोर्ड का उद्देश्य क्या है? बोर्ड ये चाहता है कि बच्चे किसी एक चीज को समझते हुए उसको को रिलेट करें, दूसरे से को रिलेट करें उसको। ये को रिलेशंस किस प्रकार से होगा, इन्हीं चीजों को बताने का प्रयास ये कोडिंग और डिकोडिंग करता है। साथ ही साथ ये आपको उलझाने वाले कंसेप्ट पैदा करता है। उलझाने के पीछे ये इसका उद्देश्य होता है कि यदि एक साथ आपको एक बंडल्स ऑफ नोट्स दे दिया जाए बैंक में, जब आपकी जॉब लगेगी छात्रगण, तो आप उन नोटों के बीच गड़बड़ा ना जाए, इसलिए आपको पजल करता है ये चैप्टर। और उस पजल पे आपको लॉजिकल एस्पेक्ट्स ढूंढ करके निकालना होता है और तब जाकर के ऐसे प्रश्नों पर आपकी कमांड हो जाती है। तकरीबन 6 से 8 टाइप छात्रगण, 8 टाइप, आई कैन से 6 से 8 टाइप आपको इस पूरे कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर के दरमियान पढ़ाए जाएंगे छात्रगण। उम्मीद करते हैं कि आप सभी चैप्टरों को एक एक कंटेंट वाइज रिवाइज करेंगे और इन चैप्टरों पे कमांड करने का प्रयास करेंगे छात्रगण। आइए बातें करते हैं कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर्स का और आपको लेके चलते हैं कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर पे। देखिए, कूट एवं कूट लेखन जो चैप्टर है उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। आइए सबसे पहले उस बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम सब जानने का प्रयास करते हैं छात्रगण। चैप्टर्स, चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट, चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इस चैप्टर की बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर पर किसी भी बच्चे को फुल कमांड करने के लिए, किसी भी बच्चे को अच्छे कमांड करने के लिए सबसे जरूरी है कि वो इंग्लिश के अल्फाबेट्स, अंग्रेजी अल्फाबेट्स को बहुत अच्छी तरह से आत्मसात करे। कैसे, आइए बताते हैं। आप बचपन से ए से जेड तक तो जानते ही होंगे, उसी को बोर्ड में जल्दी सा लिख देता हूं। A, B, C, D, E, F, Z, H, I, Z, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. A से Z तक छात्रगण आप जानते होंगे कि कुल अल्फाबेट में लेटरों की संख्या होती है 26,
और पूरे अल्फाबेट को एक पर्टिकुलर नंबर से हम लोग इसको डिनोट करेंगे। ए एक है, वाई आपका 25 है, जेड 26 है, ओ 15 है, पी 16 है, एन 14 है, डब्ल्यू 23 है, बी 2 है, सी 3, डी 4, 5, 6, 7, एक रनिंग नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, and 26. So we have altogether the 26 letters in an English alphabet. Dear friends, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पर आपको कमांड करने के लिए एक पहला काम क्या करना है कि इस पूरे ए से जेड के जो अल्फाबेटिकल पोजीशन है ये बिल्कुल फिक्स होते हैं। ए का स्थान 1 है तो ये ऑलवेज 1 रहेगा, एन का स्थान 14 है तो ये ऑलवेज 14 रहेगा, और वाई का स्थान 25 है तो ये ऑलवेज 25 रहेगा। बस इस पूरे अल्फाबेटिकल पोजिशन को आपको याद कर जाना है। आई हैव सो मैनी ट्रिक्स बट मैंने पहले ही कहा है कि कुछ चीजों में मैं ट्रिक देना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं, बिल्कुल नहीं। अभी सपोज कीजिए कि आपको इसका पूरा हम याद करने का एक ट्रिक दे दें, लेकिन कुछ लेटर जो पर्टिकुलर लेटर पूछा जा रहा है वो आपको याद ना रहे तो आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि ट्रिक सर काम नहीं किया। इसलिए आपको सलाह दी जाती है छात्रगण कि ये पूरे ए से लेकर के जेड तक के तमाम ट्रिकों को आप जो है तमाम जो अल्फाबेटिकल जो पोजिशन है उस पूरे अल्फाबेटिकल पोजीशन को आप याद कर जाएंगे। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, वाई 25, जेड 26, एन 14। इस प्रकार से जब इसको आप याद कर जाएंगे तो आपको बेहद ये आसान हो जाएगा। दूसरे पड़ाव पे कल की क्लास जब हम मुलाकात करें तो आप सब मेरे एकदम ए से लेकर जेड तक का पोजीशन याद कर लीजिएगा। मैंने आपको पहले ही कहा कि कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर से आपके 30% रीजनिंग कंप्लीट हो जाएंगे छात्रगण, 30% क्वेश्चन। जब हम इसके टाइपों पर बढ़ेंगे, टाइप 1, टाइप 2, 7-8 टाइप इसमें हम पढ़ाएंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि सर यही सारे प्रश्न तो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग के रिस्पेक्ट में। बैंकिंग के रिस्पेक्ट में कुछ एडवांस रीजनिंग इसमें मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि बैंकिंग में SSC और रेलवे की तुलना में बैंकिंग के रीजनिंग थोड़े से एडवांस होते हैं तो उसके एडवांस रीजनिंग पर हम सब चर्चाएं करेंगे। तो छात्रगण अल्फाबेट के इन पोजिशनों पर आप देख पा रहे होंगे कि प्रत्येक अल्फाबेट एक अपना फिक्स पोजिशन लिए हुए है। ये फिक्स पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होते हैं और ये हमेशा उसी मोड पे रहते हैं। आर का प्लेस 18th है अल्फाबेट में, वो हमेशा 18 रहेगा, लेकिन दो घटनाएं इसमें साथ साथ चलती हैं। कौन कौन सी दो घटनाएं साथ साथ चलती हैं? देखिए, ए से लेकर के जेड तक की जब हम बातें करते हैं तो सबसे पहले आता है इसमें एक पहला कंसेप्ट आता है फ्रॉम योर लेफ्ट means in Hindi it is आपकी बाई ओर से, आपकी बाई ओर से, आपकी बाई ओर से। जब ये प्रश्न में कहे, जब ये क्वेश्चन में कहे फ्रॉम योर लेफ्ट आपकी बाई ओर से, तो आप हमेशा ए से जेड की ओर मूव करेंगे। ये आपको एकदम से मन मस्तिष्क पे आपको आत्मसात करना चाहिए, याद रखना चाहिए कि जब प्रश्न आपको कहे फ्रॉम योर लेफ्ट आपकी बाई ओर से, तो आप मूव करेंगे ए से जेड की ओर। एक छोटा सा कंसेप्ट याद रख लीजिए कि जब प्रश्न कहे आपकी बाई ओर से ए से जेड, तो आप इस प्रकार से करेंगे। अब देखिए आपका क्वेश्चन कैसे क्रिएट होता है, अब हम कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। आपसे प्रश्न पूछता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में या इन एन इंग्लिश अल्फाबेट्स, अंग्रेजी वर्णमाला में आपकी बाई ओर से 16वां अक्षर कौन सा है, आपकी बाई ओर से 16वां लेटर कौन सा है, तो 16वां लेटर कौन होता है? पी 16। हो गया एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे आपकी कमांड हो गई। तो बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखेंगे छात्रगण कि जब हम ए से जेड की ओर बढ़ते हैं तो हम अपने लेफ्ट की ओर बढ़ते हैं छात्रगण, फ्रॉम ए टू जेड अपनी बाई ओर बढ़ते हैं, अर्थात हम बाएं से दाएं चलते हैं। जस्ट आपको लग रहा होगा कि सर हम इधर दायां चल रहे हैं, बिल्कुल ये तो राइट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है, तो बिल्कुल बाएं से हम लोग दाएं की ओर चलते हैं। तो हमेशा इन बातों को याद रखेगा और एक एक अल्फाबेट का पोजीशन याद कर लेंगे, सो दैट कि आपका वन क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपकी बाई ओर से 8वां लेटर कौन है, 8वां लेटर कौन है, फटाक से आंसर देंगे एच। अंग्रेजी वर्णमाला में आपकी बाई ओर से 19वां लेटर कौन सा है, तुरंत उत्तर दीजिएगा एस। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाई ओर से 21वां लेटर कौन सा है, तुरंत आंसर दीजिएगा यू। तो एक बार पोजीशन याद हो जाता है
तो ये आपको बहुत बहुत पे करता है छात्रगण। थोड़ा सा मेहनत तो जरूर लगता है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ ईयरफोन लगा करके ए का वन, बी का दो, सी का तीन, डी का चार, ई का पाँच, एफ का छः, ये आसानी से याद किए जा सकते हैं। थोड़ी सी तकलीफ दे हो सकती है स्टार्टिंग में, लेकिन एक बार याद हो जाएगा, यकीन मानिए कई प्रश्नों पर आपको ये इतना पे करेगा, ये एक छोटा सा कंसेप्ट में आपको इतना मजा आएगा, इतना ये पे करेगा कि आप इसे समझ नहीं सकते हैं। तो आइए बातें करते हैं, इसके आगे की पोजिशन की ओर चलते हैं। इतना होने के बाद आप इसको याद कर लीजिए, अगर याद नहीं होता है तो हम एक छोटा सा ट्रिक दे देते हैं इसका। इजोटी, इजोटी ये एक छोटा सा ट्रिक है। आपको मालूम है कि ई का पोजीशन है 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। ये क्या करेगा, ये इजोटी का ट्रिक क्या करेगा छात्रगण, आपको पूरे अल्फाबेट को एक सूत्र में पिरो देगा। अभी हम क्वेश्चन पूछते हैं, देखिए आपको तो ये मालूम है कि E का पोजीशन 5, J का 10, O का 15, T का 20, Y का 25। अभी हम सवाल पूछते हैं कि बताइए आपकी बाईं ओर से 16वां अक्षर कौन सा है, 16th लेटर कौन सा है, आपकी बाईं ओर से 16वां अक्षर कौन सा है। तो आप देख लीजिए O का स्थान 15 है, तो O के बाद क्या आता है, P, तो P का स्थान कितना होगा 16। तो बाय यूजिंग दिस वेरी स्मॉल ट्रिक, दैट इज द इजोटी, इस इजोटी वाले ट्रिक का प्रयोग करके हम अल्फाबेट के वो बाएं से दाएं और बहुत बहुत आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं छात्र के। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, आप अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे, अगर हम पूछे कि आपकी बाईं ओर से 19वां लेटर कौन सा है, तो आप 19वां के पास जाएंगे, आप देख रहे हैं कि टी का स्थान 20 है, टी का स्थान 20 है, तो 20 के 19वां क्या होगा, इसके पहले कौन सा लेटर होता है, टी के पहले बचपन में आपने पढ़ा है एस, तो एस का स्थान कैसा हो गया 19वां। तो आप देख सकते हैं कि बाय यूजिंग दिस इजोटी ट्रिक यू आर एबल टू रिसाइट ऑल द अल्फाबेटिकल पोजीशंस फ्रॉम योर लेफ्ट टू राइट। तो हम इन सब बातों को छोटे ट्रिकों से याद कर लेंगे, ऐसे बेटर होगा कि जल्दी करने के लिए, चूंकि एग्जामिनेशन में आपको इजोटी लिखना होगा, एक साइड पे 5, 10, 15, 20, 25 लिखना होगा, इट इज बेटर, मैं ये सलाह देता हूं कि आप सब सभी जो है इसके अल्फाबेटिकल पोजीशन को आप याद कर लेंगे छात्रगण, बस एक ही ओर से, इधर से फिर ये बैक पोजीशन से आपको याद नहीं करना है, हम उसके शानदार ट्रिक दे देंगे जिससे आपको बैक पोजीशन याद हो जाएगा। ओके, एक एरिया क्लियर हो गया हम सबों को। तो अभी तक के क्लास में हम सबों ने सीखा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं ज्ञात करना। अब सेकेंड पड़ाव पे हम सब चलते हैं, सेकेंड पड़ाव मेरा क्लियर होता है और वो है अल्फाबेट के अगले पड़ाव पे हम चलते हैं, और अगला पड़ाव मेरा लेकर के आ रहा है, और वो अगला पड़ाव है फ्रॉम योर राइट मींस आपकी दाई ओर से फ्रॉम योर राइट। जब प्रश्न आपकी दाई ओर से कहता है छात्रगण, अर्थात जस्ट रिवर्स पोजीशन पे हम चले गए, दाया मतलब कौन हो गया ये, यानी कि Z अब यहां पर पहला लेटर होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and that is the 26, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम योर राइट आपकी दाई ओर से, अर्थात जब आपकी दाई ओर से प्रश्न करे तो हम Z टे A की ओर बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे Z से A की ओर। आपकी दाई ओर से जब प्रश्न कहे तो आपको ये कहा जाता है जेड से ए की ओर। तो इस स्थिति में जब प्रश्न आपकी दाई ओर से कहे तो आपको जेड को 1 मानना है, वाई आपका 2 हुआ, एक्स 3, डब्ल्यू 4, बी 5, यू 6, टी आपका 7, एस 8, और इस प्रकार से काउंट करते करते ए की जो पोजीशन आपके पास आएगी दैट वुड बी दैट 26। लेकिन आपको कुछ भी नहीं करना है, अभी संजय सर इसमें शानदार अभी आपको ट्रिक देंगे, और इस ट्रिक के सहारे आप एकदम बस मिनटों में आप राइट ओर से पोजीशन निकालना सीख जाएंगे। आपको करना क्या है, आपको मैजिक नंबर 27 का प्रयोग करना है, मैजिक नंबर 27 करना क्या है, यदि क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में राइट ओर से पोजीशन कैसे ज्ञात करेंगे, राइट ओर से पोजीशन निकालिए, कुछ नहीं करना आपको, मैजिक नंबर 27 का प्रयोग करना है। जो भी लेटर का पोजीशन पूछा जाए, सपोज कीजिए एक क्वेश्चन हम करवाते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में या अंग्रेजी वर्णमाला में आपके राइट ओर से आपकी दाई ओर से
आठवां लेटर कौन सा है, आपकी दाईं ओर से आठवां। तो बस जो लेटर का पोजीशन पूछा जाए राइट साइड से, उसको आप 27 में माइनस कर देंगे, 27 में माइनस कर देंगे। तो 17 में 8 गया, कितना बचा 9, और यहां 1, 19। ये जो सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो 19 आपका आएगा, इस 19 को लेफ्ट से देखना है, लेफ्ट से। तो लेफ्ट वाला पोजीशन तो आपको पूरा याद हो चुका होगा पहले से, 19th लेटर होता मेरा कौन सा है, दैट इज एस। आप देख लीजिए कि दाईं ओर से आपका आठवां लेटर एस है या नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो है ना मैजिक नंबर। तो मैजिक नंबर 27 का प्रयोग करते हुए छात्रगण हम सब बहुत बहुत आसान तरीके से ऐसे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं छात्रगण। बस जरूरी यही है कि राइट ओर से पोजीशन याद करने के लिए आपको मैजिक नंबर 27 का प्रयोग करना आना चाहिए। आइए एक आध और क्वेश्चन इसमें करवा देते हैं, सो दैट कि दोनों चैप्टर पे आपका कमांड हासिल हो जाए। तो फ्रॉम योर राइट जेड टू ए, फ्रॉम योर लेफ्ट ए टू जेड। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में आपकी दाईं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला में आपकी दाईं ओर से 21वां अक्षर कौन सा है, 21वां अक्षर, दैट इज लेटर, 21वां लेटर कौन सा, 21वां लेटर कौन सा है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपकी दाईं ओर से 21वां लेटर कौन सा है। ओके, क्या करना है दाईं ओर से लेटर ज्ञात करने के लिए, जस्ट बताएं मैजिक नंबर 27 ले लेंगे। कौन से लेटर का स्थान पूछ रहा है, 21वां। जो भी लेटर का स्थान पूछे उसे सीधे सीधे माइनस करेंगे, कितना बचा 6। ये जो सब्ट्रैक्ट करके जो आपका नंबर बच रहा है, इस नंबर को आपको लेफ्ट पोजीशन पर देखना है, लेफ्ट से छठा लेटर मेरा कौन होगा, लेफ्ट से। तो लेफ्ट से छठा लेटर मेरा कौन होता है, ई का छठा का पोजीशन कौन है मेरा, एफ। तो आप देख पाइएगा कि जब आप यहां से काउंट करिएगा तो 21वां लेटर आपका एफ निकल करके आ जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। 21वां लेटर एफ हो गया, उधर से छठा लेटर आपका एफ पहले से बोर्ड में अंकित है छात्रगण, जिसे आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल आसान तरीके से आप इसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा कि ऐसी स्थितियों में जब हम अंग्रेजी वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फाबेट में पोजीशन ज्ञात करते हैं, तो बाएं से दाएं जब हम मूव करते हैं, तो इन स्थितियों में आपको अल्फाबेट का पोजीशन याद रखना है, और जब दाएं से बाएं प्रश्न पूछा जाए तो आपको मैजिक नंबर 27 का प्रयोग करके जिस लेटर का पोजीशन पूछा जा रहा है उसे माइनस करना है, जो शेष बचेगा घटाने के बाद, जो सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा, उस नंबर को राइट साइड से, याद रखिएगा उस नंबर को राइट साइड से जो भी पोजीशन दिया गया था उस नंबर को माइनस करके जो शेष बचेगा उस नंबर को लेफ्ट साइड से काउंट करना है, उस नंबर को लेफ्ट साइड से काउंट करना है। इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखेंगे छात्रगण, और आपके दो प्रश्न ऐसे ही इसमें क्लियर हो जाते हैं। आइए इसके अगले बेसिक कंसेप्ट की ओर चलते हैं छात्रगण। अल्फाबेट के दो पड़ाव हमने क्लियर किए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं ज्ञात करना, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से बाएं ज्ञात करना। इन दोनों पड़ावों पर आपको एक चीज बहुत बहुत काम आने वाला है, और वो है इंग्लिश के अल्फाबेट्स की अल्फाबेटिकल पोजीशन। चाहे तो आप इजोटी के ट्रिक से याद कर ले, या फिर बेटर होगा कि मैनुअली ए का एक, बी का दो, सी का तीन, किसी भी परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हो जहां पर मेंटल एबिलिटी पूछा जाता है, वहां पे कोडिंग डिकोडिंग यानी कूट एवं कूट लेखन से प्रश्न होते ही होते हैं छात्रगण। इसलिए आपको ये सलाह दी जाती है कि इस चैप्टर के अल्फाबेटिकल पोजिशन बहुत बहुत अच्छा से करने का प्रयास करें छात्रगण। आइए इसके अगले पड़ाव पर लग करके आपको चलते हैं। ध्यान देंगे
कि पूरे अल्फाबेट पे अगला बेसिक कंसेप्ट, इसका नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट इसमें जाएंगे। आप पूरे अल्फाबेटिकल पोजीशन पर आप देख रहे हैं कि एक से लेकर के 26 तक के लेटर हैं। इन एक से लेकर के 26 तक के लेटर में आप देख पाएंगे कि इसके दो हाफ होते हैं, दो हाफ। आप देखेंगे ए से लेकर के एम तक में कुल लेटर की संख्या है 13, कितना है 13। तो फ्रॉम ए टू एम ये इसका फर्स्ट हाफ कहलाता है। कौन सा हाफ? फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ। ए से लेकर के एम तक अल्फाबेटिकल के जो पोजीशन होते हैं छात्रगण, 13 × 26, 13 लेटर का एक सेट, उसको अल्फाबेट का फर्स्ट हाफ कहा जाता है। कई सारे प्रश्न होंगे, बस केवल अभी बेसिक कंसेप्ट आपको देंगे कि फर्स्ट हाफ किसको कहा जाता है, सेकंड हाफ किसको कहा जाता है, ये फर्स्ट हाफ। एंड फ्रॉम एन टू जेड इसमें आपको 13 लेटर होंगे, इसे कहा जाता है सेकंड हाफ, सेकंड हाफ ऑफ एन इंग्लिश अल्फाबेट, सेकंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट्स, ओके, सेकेंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो ये ध्यान रखिएगा, ए से लेकर के एम तक यानी कि 13 लेटर का जब एक सेट बनेगा तो वो पहला अर्धांश कहलाएगा, फर्स्ट हाफ, और एन से लेकर के जेड तक की जब सीरीज बनेगी तो उसे सेकेंड हाफ कहेंगे, जिसको हम सब द्वितीय अर्धांश कहते हैं। ये कंसेप्ट हो गया आपके पास में। यदि फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ को इस प्रकार लिखते हैं, देखिए कैसे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ओके, ये फर्स्ट हाफ हुआ इंग्लिश अल्फाबेट का। अब सेकेंड हाफ को इधर से लिखते हैं, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ए से लेकर के एम तक फर्स्ट हाफ, एन से लेकर के जेड तक सेकेंड हाफ। हम जब इसको इस प्रकार से अरेंज करते हैं फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ को, तो हमें इंग्लिश अल्फाबेट्स का ऑपोजिट मिल जाता है। ऑपोजिट इन द सेंस एवरी लेटर इज हैविंग देयर ओन ऑपोजिट। ए का उल्टा जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, वाइस वर्सा, वी का ई, डब्ल्यू का डी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। तो इंग्लिश के अल्फाबेट्स में छात्रगण, जो चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट है वो है कि अल्फाबेटिकल पोजीशन आप इस प्रकार से लिख रहे हैं, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ ऑपोजिट क्रिएट कर देते हैं। इसलिए हम सब यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट नंबर 3 का नाम दे रहे हैं ऑपोजिट, ऑपोजिट ऑफ द, ऑपोजिट ऑफ द अल्फाबेटिकल लेटर, अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल लेटर, ऑपोजिट ऑफ द अल्फाबेटिकल लेटर। और तमाम अल्फाबेटिकल लेटर का हम सबों ने यहां पे ऑपोजिट लिखा है छात्रगण, एकदम से अभी शानदार ट्रिक के द्वारा भी आपको क्लास के अंदर आत्मसात करवा देंगे छात्रगण, आपको अभी यहीं पे याद करवा देंगे, बस अभी एक बार केवल आप इसको रिवाइज कर लीजिए। ए का जेड, जेड का ए, वाइस वर्सा, ए का जेड तो जेड का ए, बी का वाई, वाई का बी, सी का एक्स, एक्स का सी, डी का डब्ल्यू, डब्ल्यू का डी, ई का वी, वी का ई, एफ का यू, यू का एफ, जी का टी, टी का जी, एच का एस, एस का एच, आई का आर, आर का आई, जे का क्यू, क्यू का जे, के का पी, पी का के, एल का ओ का एल, एम का एन, एन का एम। So these all are the opposites of the English alphabets, alphabetical letter. आइए एक शानदार ट्रिक के माध्यम से इस पूरे opposite letter को आपको याद कराने का प्रयास करते हैं छात्रगण। Trick.
ए का जेड, एक बार मैं लिख लूं फिर ट्रिक लिख लेता हूं। ट्रिक इसका याद करेंगे, आज बी का वाई बाय सी का एक्स दैट इज सिक्स, डी का डब्ल्यू दैट इज दूध वाला, यू कैन से दिल वाला आल्सो, दिल वाला, जो भी आपको याद हो जाए दिल वाला। ओके, ई का वी इवनिंग इवनिंग, एफ का यू दैट इज फू, जी का टी यानी कि जी टी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड जी टी रोड, एच का एश हाई स्कूल हाई स्कूल, आई का आर इंडियन रेलवे इंडियन रेलवे, जे का क्यू जैक कैलिश क्यू फोर कैलिस जैक कैलिस, कुछ भी याद कर सकते थे। जे हो गया, जे के बाद मेरा बिच रहा है के का पी काला पीला काला पीला, एल का ओ दैट इज लव और एम का एन दैट इज मन। तो इन तमाम ट्रिक के सहारे छात्रगण हम सब बहुत बहुत अच्छी तरह से अपोजिट्स ऑफ द अल्फाबेटिकल लेटर्स याद कर सकते हैं। अब आइए इसको ट्रिक के सहारे याद कर लेते हैं। ए जेड आज आज, ए जेड आज, ए का जेड आज, यू जस्ट फॉर द प्रोनंसिएशन बेस आई एम रिटन दिस वन आज बाय सिक्स, आई हैव रिटन दिस वन आज बाय सिक्स दूध वाला स्वयं सो, सो दिस इज ए टू जेड आज। बी वाई का बाय बाय बाय, सो दैट इज बी का वाई। सी का एक्स सिक्स, सी का एक्स सिक्स, सो दैट इज सी का एक्स। डी डब्ल्यू का दूध वाला या दिल वाला, जो आपको अच्छा लगता है याद कर लीजिए। ईवी के रिस्पेक्ट में इवनिंग, यदि हम इवनिंग स्पीकिंग करें तो ईवी दैट इज इवनिंग ईवी। एफ यू फू फू, जस्ट यू स्पीक फू एफ यू फू। जी टी का जी टी रोड, जैसे जी टी रोड बोलेंगे आपका जी का टी हो जाएगा। एच एस के लिए सभी ने, हम लोगों ने सभी ने हाई स्कूल गए, बिना हाई स्कूल के यहां तक पहुंच नहीं सकते थे छात्रगण, तो एच एस का हाई स्कूल। आई आर का इंडियन रेलवे, आई फॉर इंडियन एंड आर फॉर रेलवे दैट इज इंडियन रेलवे, आई आर का इंडियन रेलवे। जे क्यू का जे फॉर जैक और क्यू फॉर कैलिस जैक कैलिस, जे क्यू का जैक कैलिस। के पी के लिए के फॉर काला, पी फॉर के लिए पीला। एल ओ का लव, एल ओ के लिए लव याद कर लीजिए, लव में आपको चार लेटर का मिल जाएगा, एल का ओ, ओ का एल, भी का ई, ई का भी, तो लव याद करेंगे तो लव में आपको चार लेटर का मिल जाएगा, एल का ओ तो होता ही होता है, वी का ई भी आपको याद हो जाएगा, और एम एन का, ये सारी घटनाएं आपके मन में घटित होनी है छात्रगण, इसलिए एम एन के लिए याद रख लीजिएगा मन। तो बहुत ही आसान तरीके से छात्रगण हम सब देख पाने में यहां पर कामयाब है कि सर ऑपोजिट ऑफ द अल्फाबेट्स हम सबों ने याद कर लिया। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे इस ऑपोजिट ट्रिक को बहुत इंजॉय किए होंगे और एकदम से अभी क्लास के अंदर आपको याद हो गया होगा। करना कुछ भी नहीं है, बस ये जो आपको लिखा जा रहा है आज बाय सिक्स, आपको बस वही याद रखना है। ए का जेड सर बता चुके थे हम लोग को, आज ए का जेड होगा। बी वाई का सर बबाई बोले थे, बी का वाई होगा। सी एक्स का सर सिक्स बोले थे, सी का एक्स होगा। डी डब्ल्यू का दूध वाला बोले थे तो डी का डब्ल्यू हो जाएगा। इवनिंग के लिए ईवी बोले थे तो इवनिंग हो जाएगा। जी टी रोड के लिए जी और टी बोले थे, सो दैट इज द पार्टी ऑफ फ्रेंड्स। तो पूरे ओवरऑल कंसेप्ट पे हम देख पाते हैं कोडिंग डिकोडिंग का। देखिए ये तो अभी कंसेप्ट हुआ, जब इसके प्रश्नों के पड़ाव पर जब हम चलेंगे छात्र, जब हम सब क्वेश्चन बेस पे जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि सर ये सब इतने बहुमूल्य ट्रिक थे, इतने ये काम आए कि मतलब आपको लगा कि वाह मैंने कुछ एक अच्छा चीज पा लिया। आपके समय बचने लग जाएंगे, आप स्पीड के साथ एक्यूरेसी मेंटेन करने लगेंगे एग्जामिनेशन हॉल पे। तो स्पीड के साथ एक्यूरेसी करने के लिए छात्रगण ये सारे ट्रिक को जो है आपको आत्मसात करना चाहिए, याद करना चाहिए, सो दैट कि जब आप प्रश्न का हल करने लगे तो आपको किंचित मात्रा का कोई अदर कैलकुलेशन ना करना पड़े, अदर कंसेप्ट कुछ दिमाग में आपको ना लाना पड़े, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखेंगे।
है ना। आइए अब आपको इस ऑपोजिट ऑफ द अल्फाबेटिकल लेटर के बाद में ये अगले पड़ाव पर आपको लेकर चलते हैं और कोडिंग और डिकोडिंग के नेक्स्ट पड़ाव पर आपका स्वागत करते हैं छात्रगण। छात्रगण मैं तो कई बार कहता हूं कि मंजिलें तो मिल ही जाएंगी भटकते भटकते, मंजिलें तो मिल ही जाएंगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घरों से निकलते ही नहीं, गुमराह तो वो है जो घरों से निकलते ही नहीं। आप तो घर से निकल चुके हैं छात्रगण, या घर बैठे पढ़ रहे होंगे, तो फिर आपको सफलता के लिए कौन रोक सकता है छात्रगण, इस बात का भी आपको ध्यान में होना चाहिए। आइए अगले पड़ाव पर, अगले इसके बेसिक कंसेप्ट पर आपका स्वागत करते हैं। इंग्लिश के अल्फाबेटिकल पोजीशन पर एक पड़ाव और आपका आज क्लियर कराने का प्रयास करते हैं कि एक प्रश्न क्या होता है, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन के सेट होते हैं। एज फॉर एग्जांपल, बेसिक कंसेप्ट एग्जांपल, ए बी सी डी ई एफ जी, ये लंबे में हो सकते हैं, एक लंबा सीरीज चलेगा यहां से लेके यहां तक, और आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ए से जी के ठीक बीच में, ए से जी के ठीक बीच में कौन सा लेटर है, ए से जी के बीच में ठीक बीच में कौन सा लेटर है, ये पूछा जा रहा है, ए से जी के बीच में कौन सा लेटर है। आपको बता दें, आप क्या ये काउंट करेंगे, एक दो तीन चार पांच छह सात गो है, तो सात का तो आपको मालूम है, एक बढ़ा के लिया जाता है बीच निकालने के लिए, एक दो तीन चार, आप क्या आंसर डी देंगे, ये करेंगे, आप ये कर सकते थे यदि इतना छोटा प्रश्न होता तब, लेकिन एक लंबे सीरीज का जब क्वेश्चन होगा, जब बड़े बड़े सीरीज के क्वेश्चन होंगे, तब आप बीच के लेटर कैसे फाइंड करेंगे। आइए शानदार ट्रिक से अल्फाबेटिकल पोजिशन के बीच का लेटर निकालने के लिए सीख लेंगे छात्रगण। हमेशा याद रखिएगा कि मिड ऑफ द लेटर सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर के ही निकाले जा सकते हैं, इवन नंबर के मिड लेटर नहीं होंगे। यदि यहां पर हम एच कर दें तो कुल लेटर की संख्या हो जाएगी एट, और एट का बीच नहीं निकाला जा सकता, एट का हाफ कितना होगा फोर, तो उधर से भी काउंट करेंगे तो फोर आएगा, इधर से भी काउंट करेंगे तो फोर, तो दो अलग अलग लेटर हमको प्राप्त होगा। इसलिए आपको याद रखना है कि तमाम जो दिए गए लेटर होंगे, इन सभी लेटरों के लिए आपको ऑड नंबर पे ही अल्फाबेटिकल का मिड ऑफ द लेटर निकाला जाता है, बीच का लेटर निकाला जाता है। तो आइए देख लेते हैं, कुछ भी नहीं करना आपको, आपको पहले मैनुअल काउंटिंग से बचना है। मैनुअल काउंटिंग में आप जान रहे हैं कि सर मेरा आंसर होगा डी, नहीं, हम सब सीख पा रहे हैं छात्रगण, अल्फाबेट्स के बीच का लेटर ज्ञात करना, के बीच का लेटर ज्ञात करना हम सब सीख पा रहे हैं छात्रगण, अल्फाबेट्स के बीच का लेटर ज्ञात करना, कुछ नहीं आपको करना है, आपको जो पहला लेटर है और जो अंतिम लेटर है, जो फर्स्ट लेटर है और जो लास्ट लेटर है, इसके अल्फाबेटिकल पोजीशन को ऐड कर दीजिए। ए की अल्फाबेटिकल पोजीशन कितनी है 1, जी की अल्फाबेटिकल पोजीशन कितनी है 7, ये 1+7 इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 1+7, सब कुछ आपका मन में चलना है, क्योंकि मुझे आपको सिखाना होता है, इस कारण मैं बोर्ड पर राइटिंग करता हूं, अदरवाइज मैं ना करूं। तो 1+7 बराबर कितना हो गया 8, इन पहले लेटर के पोजीशन और लास्ट लेटर के पोजीशन दोनों को जोड़ देना है। आप देखते हैं क्या जोड़ना है, तो पोजीशन जोड़ना है, जो अभी आपने जस्ट याद करके रखा अल्फाबेट का पोजीशन, तो 1+7=8, इसको हम सब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 4, 2 4 = 8, जब 4 आया तो चौथा लेटर मेरा होता कौन है, दैट इज डी। ये सारे कैलकुलेशन आपके मन में चलना चाहिए छात्रगण। तो इस ए से लेकर के जी के ठीक बीचों बीच कौन सा लेटर होगा, तो आप देख लीजिए कि ये डी आपका यहां प्राप्त हो गया। आपको काउंट करने की आवश्यकता नहीं है, 1 2 3 4, यू डू नॉट हैव टू काउंट दिस लेटर, ओके। ये ट्रिक, छोटे छोटे ट्रिक इतने कारगर है छात्रगण, कि आपको परीक्षाओं में अचानक से ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको एकदम आपकी बांछें खिलाती हैं कि हाँ सर मैंने बहुत जल्दी ऐसे प्रश्नों का हल कर लिया। आप लॉन्ग क्वेश्चन पे देखें, आप छोटे क्वेश्चन पे ना देखें, आप लॉन्ग क्वेश्चन पे देखें। क्वेश्चन आपके पास में है ए बी सी डी ई एफ
जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। सपोज कीजिए इतना बड़ा आपको लेटर दिया हुआ है, आप पूछ रहा है कि ए से लेकर के एस के ठीक बीच में कौन है। कुछ नहीं करना, एकदम मैनुअल काउंटिंग हम नहीं करिएगा। पहले एस का 19 होता है तो 19 का हाफ हम लोग कितना लेंगे, 10 लेंगे, यानी आंसर आएगा मेरा जे। वो सब काम करना ही नहीं है, सीधा सीधा ए का पोजीशन कितना होता है, पहला लेटर का पोजीशन, लास्ट लेटर का पोजीशन, ए का पोजीशन 1, एस का पोजीशन 19, 1 प्लस 19 कितना डिवाइडेड बाय 2, तो 19 प्लस 1 कितना 20, 20 डिवाइडेड बाय 2 आंसर 10, 10वां लेटर कौन होता है जे। तो मैनुअली आपका आंसर जे आ रहा था और ट्रिक के सहारे भी आंसर आपका जे आ गया है। लेकिन जब आप मैनुअली बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा काम करना होता है, क्योंकि सारी परीक्षाएं ऑनलाइन है छात्रगण। ऑनलाइन में आपको प्रश्न देख करके आप उसको लिखेंगे, थोड़ा सा आपका आईसाइट गड़बड़ाया तो प्रश्न गड़बड़ा जाएगा। इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है कि कुछ प्रश्नों के कुछ ऐसे नायाब तरीके हम सब ढूंढने का प्रयास करें छात्रगण, जो कि आपको परीक्षाओं में फुल मार्क्स दिलाने का प्रयास करें। तो ये अल्फाबेटिकल का कोडिंग डिकोडिंग का एक 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 झलकियां थी छात्रगण। इस पूरे चैप्टर की कहानी लिखी जानी है छात्रगण पूरे क्लास में। हम सब जब अपने अगले क्लास पे उन्मुख होंगे, अगले क्लास में मुखातिब होंगे छात्रगण, तो प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, इस पूरे चैप्टर के एक एक कंटेंट वाइज टाइप वाइज ये कंसेप्ट था, इस चैप्टर का ये कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट को आप दिमाग में बैठा लेंगे। उसके बाद एक एक चैप्टर वाइज टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7, टाइप 8, इवन टाइप 9, 9-10 तक टाइप जा सकता है। लेकिन हाँ, एक एक टाइप को पढ़ने के बाद आपका यह चैप्टर कमांड होगा। मैंने पहले ही कहा है कि कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो घर बैठे, इस चैप्टर को करना बेहद बेहद जरूरी है, क्योंकि कोडिंग और डिकोडिंग खाने का दाल भात है छात्रगण। जिस प्रकार से हमारी लंच जो होता है बिना दाल भात के पूरा नहीं होता है, उस प्रकार से ये चैप्टर भी जो है पूरे रीजनिंग का इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक चैप्टर है, जिसे आपको बहुत अच्छा से करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस आपको बहुत बहुत अच्छा लग रहा होगा, आप इसे एंजॉय कर रहे होंगे। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूं, और चलते चलते बस एक ही लाइन कहना चाहता हूं कि थको मत, थमो मत, रुको मत, झुको मत, हमेशा याद रखिए, आज पतझड़ कल बसंत। बसंत आपकी सफलता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी सफलता है जो बसंत के रूप में आपके पास में आएगी छात्रगण। पतझड़ आपके जीवन का वह काल है जब आप प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपका मन विचलित रहता है इस दरमियान में, लेकिन इस विचलित होने से आपको बचना है। आपको एक हमेशा पॉजिटिव सोच लेकर के चलना है कि कल होके मुझे सरकारी नौकरी लेनी है। मैं दावे के साथ कहता हूँ छात्रगण कि आपकी सरकारी नौकरी रखी पड़ी है, आपका इंतजार कर रहा है। बस जरूरी है कि आप सरकारी नौकरी को पाने के लिए थोड़ी सी अपनी मशक्कत करने का प्रयास करें। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।